खादी सिर्फ एक पहनावा नहीं, एक विचार, एक संस्कृति और सभ्यता है और समाज के अभिवंचित वर्ग के उत्थान झारखंड का एक हथियार है। झारखंड खादी इस दिशा में 2003 से लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज झारखंड खादी समाज के कमजोर वर्ग की 300 से अधिक महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें अत्याधुनिक सिलाई मशीन 75% अनुदान पर दिया गया, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त कर सके। झारखंड सरकार के श्रम संसाधन और उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शिल्पी रोजगार योजना के तहत इन महिलाओं को सिलाई मशीन दिया। इस मौके पर मंत्री ने 30 सितंबर को धनबाद में 20,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने की घोषणा भी की। मंत्री ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। करेगा इससे हम अपने माँ बाप का घर में कुछ खर्चा बटा सकते हैं, खुद का कुछ खर्चा निकाल सकते हैं, अपना जिंदगी जीने के लिए खुद पे निर्भर रहेंगे, दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, इससे सीखेंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, सोच तो थी, सोच है कि हम सीखे और कम से कम खुद का तो कम से कम जो अपना खर्चा है, जो अपना कपड़ा हम बाहर जाके सिलवाते हैं पैसा दे के, वो कम से कम खुद का पहने और अगर बहुत अच्छे से सीख पाए तो एक दुकान खोलकर लोगों को भी शिक्षित करें या फिर उनका भी कपड़ा वस्त्र को सिले। हाँ, व्यवसाय के रूप में हम लोग उसको खोल सकते हैं, दूसरों का कपड़ा लेकर उनका भी कपड़ा हम लोग सिल सकते हैं या दूसरों को शिक्षा, उन लोगों को भी हम लोग सिखा सकते सर। जो हम लोग को भी मशीन मिलेगा, हम लोग को तो 6 महीने का ट्रेनिंग हुआ यहाँ, काफ़ी अच्छा सिखाया गया, हम लोग जो गुरु हैं काफ़ी अच्छा हम लोग को ट्रेनिंग दिए है ना, और उसके बाद जो हम लोग को मशीन मिलेगा सर, इसके माध्यम से हम लोग कुछ करना घर में चाहेंगे है ना, जो सीखे हैं उसको हम लोग यूज करेंगे और घर में अगल बगल का जो भी है सिलाई करेंगे। प्लस है जो हम लोग सोच है सर कि अपना एक छोटा सा क्या बोलते हैं दुकान भी खोलेंगे सर, ताकि हम अपना खुद तो सीखे हुए हैं सर और अपने साथ जितने भी लोग अगल बगल का है सबको ट्रेनिंग देंगे सर। मतलब इससे आपके जीवन में क्या सर इसके मतलब हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण सीखा, 6 महीने का ट्रेनिंग हम लोगों को दिया गया। हमारी जो सर हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो हम लोगों को इतने अच्छी तरीके से सिखाए हैं कि आदमी कभी भूल ही नहीं सकता, वो इतना अच्छे से सिखा। पुरुषों के लिए झारखंड सरकार ने सशक्त मजबूत आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं झारखंड में चला रही है और ख़ासकर उद्योग विभाग से जो हमारे जितने बहनें विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, किन्हीं के 6 महीने का प्रशिक्षण है, किन्हीं के 3 महीने का, 1 महीने का भी है, हुनरमंद बना करके उनको 6,000 युवा ज्योतियों को ऑफर लेटर देंगे। क्योंकि राज्य सरकार ने 75% जो एक्ट बनाई है कि कोई भी कंपनी हो, नया कोई फैक्ट्री हो, तो 100 है तो 75 स्थानीय होना चाहिए। तो झारखंड में जितने कंपनियां हैं हम लोग सब होमवर्क कर लिए हैं, जितने स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षित हैं सभी को हम लोग रोजगार से 30 तारीख को जोड़ेंगे और जिनको रोजगार देने में विलम्ब होता है उसको युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपया महीना। ये मुद्दा उन लोगों को पता ही नहीं कि बेरोजगारी भत्ता सरकार तो बीच में परिवर्तन करते रहती है, वो 5 या 7 के बाद करते हैं, हम ये 12,000 8,000 की बात कर रहे हैं। जी ये लोग कह रहे हैं कि सीधे पैसा देके वोट खरीदने का काम आप लोग कर रहे हैं, अंतिम समय में आप लोग को सब याद आ रहा है, जनता 4 साल कुछ नहीं किया, पैसा कोई व्यक्ति का नहीं है,